जय श्री बालाजी। स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम संकट कटे मिटे सब पीरा में। मैं बजरंग बाबा आज आपके लिए लेकर आया हूँ फरवरी राशिफल 2024 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं ग्रह स्थिति के बारे में। ग्रह स्थिति मासारंभ में चंद्रमा केतु कन्या राशि के चतुर्थ भाव में, बुध शुक्र मंगल धनु राशि के सप्तम भाव में, सूर्य मकर राशि के अष्टम भाव में, शनि कुंभ राशि के नवम भाव में, राहु मीन राशि के दसम भाव में, बृहस्पति मेष राशि के ग्यारहवें भाव में चलायमान रहेंगे। चलिए बात करते हैं 1 फरवरी से 7 फरवरी तक दिनांक 1 को वाहन सावधानी पूर्वक चलाएँ, अन्यथा दुर्घटना घटित हो सकती है। 2 और 3 तारीख को समय ज्ञानवर्धक समय रहेगा। 4 और 5 तारीख को समय अनुकूल रहेगा। पुराने व्यवसायी आपसे जुड़ेंगे, महिला वर्ग से सहयोग प्राप्त होगा, वहीं परिवार में आपसी प्रेम भाव बढ़ेगा। 6 और 7 तारीख को आप नया निवेश कर सकते हैं, रोजी रोजगार के उचित अवसर मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं 8 फरवरी से 15 फरवरी तक दिनांक 8, 9, 10 तारीख को मान हानि का खतरा हो सकता है। 11-12 तारीख को आप अपने मित्रों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातें करके मन हल्का करेंगे। 13-14 तारीख को आप किसी काम के लिए इंतजार कर रहे थे, वह काम इस समय पूरा होगा। आप किसी समस्याओं से निपटने के लिए किसी की मध्यस्थता रखेंगे। 15 तारीख को सर्व लाभकारी समय रहेगा, घर में नए मेहमान आएंगे। चलिए बात करते हैं 16 फरवरी से 23 फरवरी तक। दिनांक 16 को आधा दिन अच्छा रहेगा, आप यात्रा करेंगे, यात्रा में सावधानी बरतें। 16 की दोपहर से 18 के मध्य का समय कष्टकारी रहेगा। 19-20 को समय में सुधार आएगा। आप व्यापार में छोटी से छोटी चीज़ को गंभीरता से लेंगे, रुपयों पैसे की प्राप्ति होगी। शांति प्रिय तरीके से आप अपने काम को अंजाम देंगे। 21 से 23 के मध्य पति पत्नी में आपसी सामंजस्य का भाव विद्यमान रहेगा। भविष्य की चिंताओं और योजनाओं को गंभीरता से अंतिम रूप देंगे। चलिए बात कर लेते हैं 24 फरवरी से 29 फरवरी तक। दिनांक 24-25 को आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 26 से 28 के मध्य समय की चाल विपरीत रहेगी। किसी प्रिय वस्तु के चोरी हो जाने के या गुम हो जाने से का भय रहेगा। 29 को समय अच्छा है, आप अपना काम सही ढंग से पूरा कर लेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं उपाय के बारे में जो आपके पूरे महीने को खुशहाल बनाने में लाभकारी साबित होंगे। महीने की शुभता बढ़ाने के लिए गाय को घास खिलाएँ, तुलसी के पौधे को नित्य सींचें, जल दें, ओम गड़गड़ते नमः मंत्र का 108 बार जप रोजाना करें तथा पन्ना चांदी की अंगूठी में बना जड़वा कर धारण करें। यदि आप इन उपायों को नियमित रूप से कर लेते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। बालाजी महाराज की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।